नमस्कार साथियों, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस सामने आया है जो आप सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम भारतीय हैं। यह भारतीय के नजरिए से आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल जी ने माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, जो बहुत बड़ी क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर वर्ल्ड, और आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट पूरी दुनिया के सबसे टॉप 5 सॉफ्टवेयर कंपनीज में आता है, और उनसे पंगा ले लिया है। किसने? सीईओ भाविश अग्रवाल, जो कि ओला पूरे ग्रुप के सीईओ हैं। उन्होंने ये बताया कि हम अपना पूरा काम माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर से वापस ले रहे हैं और हमारा खुद का नया स्टार्टअप प्लेटफॉर्म कृत्रिम में डाल रहे हैं। और ये क्यों डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। भाविश अग्रवाल जी का जो मूव है, ये किसी भी व्यक्ति को लेने से, किसी भी कंट्री से युद्ध करने का दम बन सकता है। ये बहुत बड़ा बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है, और ये स्ट्रैटेजी अगर आपको पता है तो लाइफ इजी होने वाला है, व्यापार तो जबरदस्त इजी होने वाला है। सबसे पहली बात ये कि अगर किसी कंपनी का, किसी कंपनी के साथ में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉब्लम हुआ भाविश अग्रवाल के साथ। पहले मुद्दा समझते हैं, फिर स्ट्रैटेजी जानते हैं। हुआ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर का जो AI है, वो AI ने जो लैंग्वेज यूज़ किया है भाविश अग्रवाल के लिए, वो इस तरीके का लैंग्वेज यूज़ किया, वो आप जैसा या रेस्पेक्टेबल फीलिंग नहीं देता। और ये चीज़ में 100% ऑब्जेक्शन भाविश अग्रवाल को है, क्योंकि ये आपका सॉफ्टवेयर ऑल ओवर इंडिया में जो भी यूज़ कर रहा होगा, वो उनको एक ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट कर रहा है कि वो, तो ये चीज़ इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये चीज़ की बात उन्होंने उठाई भी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारा नॉर्म्स है, हमारी कंपनी है, हमारा डायलॉग है, हम तो चेंज नहीं करने वाले। अब जैसे ये वाली बात इंटरनली हुई है, उसके बाद में इन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा काम तो करना नहीं है, तुम्हारे साथ में कोई काम करना नहीं है। इन्होंने वो जो AI है, AI का जो पूरा डायलॉग है, उसका स्क्रीनशॉट LinkedIn में डाला। अब LinkedIn में डालने के बाद क्या हुआ, LinkedIn भी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही एक कंपनी है, ग्रुप कंपनी है, उससे वाला पोस्ट हटा दिया गया। भाविश अग्रवाल जी और भड़क गए और उन्होंने क्लियर कट बोला। सबसे पहली बात ये कि मैं अपील करता हूं, हमारे देश के जो सॉफ्टवेयर कम्युनिटी है, वो अपना प्लेटफॉर्म बनाए, ताकि हम लोगों को बाहर वाले लोगों के ऊपर में निर्भर होने की बिल्कुल भी जरूरत ना रहे, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी भी कंट्री से अगर इंडिया में कोई आ रहा है, कोई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म या कोई भी हो जो पैसा कमा रहा है, चाहे LinkedIn हो, YouTube हो, उनके लिए कम्युनिटी गाइडलाइंस उनका नियम नहीं, इंडिया का लॉ होना चाहिए। क्योंकि आप पैसा इंडिया में कमा रहे हो, आप वहां पे बैठ के दूसरा नियम लागू नहीं कर सकते। तीसरा चीज़ ये, डेटा आप नहीं उड़ा सकते, क्योंकि डेटा का ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर के पास होना चाहिए। वहां पर भी इंडियन लॉ के हिसाब से ही, अगर आपको उड़ाना है, उसको हटाना है, इंडियन लॉ के हिसाब से ही ऐसा करना चाहिए। इसका मतलब ओनरशिप ओवरऑल किसके पास रहना चाहिए, क्रिएटर के पास। ये चीज ना होने के कारण सीधा सीधा झगड़ा हो गया। लेकिन इस झगड़े को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत शानदार है भाविश अग्रवाल जी का। उन्होंने बोला हमारे देश के ऊपर अटैक है। उन्होंने बोला हजारों सालों से हम लोग किसी व्यक्ति को अगर संबोधन कर रहे हैं, तो हम लोग सामने वाले को पूरी इज्जत देते हैं, उनको आप कहते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि मैं अभी हिमाचल से आया, एक व्यक्ति का डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी मिस्टर रामलाल जी है। उनका ये डायलॉग है आप जी, इसका मतलब अगर मुझसे बात करना है तो बोले आप जी खाना खाएंगे क्या, इसका मतलब आप भी कह रहे हैं, जी भी कह रहे हैं, मतलब रेस्पेक्ट इतना अच्छा दे रहे हैं कि सामने वाला गदगद हो जाए। अगर आप जहां पर भी AI को ही सामने रखे हो, सामने कोई बात कर नहीं रहा है, तो आपका AI भी तो आपके जैसा होगा, इसका मतलब उसके अंदर में फीडिंग भी तो आपने करी होगी। अगर किसी को ऑब्जेक्शन आएगा तो उसको ठीक करने का राइट भी तो आपके पास होगा। राइट क्या, आपकी लायबिलिटी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आप विदेशी भी हो तब भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने आप को सिक्योर भी करेंगे और आपसे दबेंगे भी नहीं। भाविश अग्रवाल का ये जो स्ट्रेटेजी है कि देश को सामने रख दिया, हमारा देश नहीं झुकेगा, ये बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि अब युद्ध अकेले का नहीं है, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, हजारों लोग वीडियो बना रहे होंगे, और हर कोई देख रहा है कि हमारे देश के ऊपर ये खतरा है, ये असुविधा है और डिसरेस्पेक्ट है, जबकि हम लोगों के कारण उनकी कंपनी का मेजर इनकम शेयर जाता है। सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले कुछ कंट्री जहाँ से वो पैसे कमाते हैं, उसमें इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फिर इंडिया को सामने रखा गया। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप ध्यान रखोगे, तभी भी आप किसी प्रॉब्लम को पर्सनल ना लेकर कम्युनिटी को सामने अगर रखोगे, आप जीतोगे, आपको हर कोई सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट भी आपके सपोर्ट में जाएगा। ये कोई कॉर्पोरेट वार नहीं, ये देश और एक कंपनी का वार है। जीतेगा कौन?
देश ही जीतना चाहिए। दो और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने बोला कि इंडिया कैसे चलना चाहिए ये किसी वेस्टर्न कंट्री को अधिकार नहीं है कि वो हमको लेक्चर दे दे। हमारा संस्कृति को सीखने के लिए हजारों लाखों लोग हर साल इंडिया में आते हैं और बल्कि यहाँ पर रहते हैं, यहाँ का कल्चर सीखते हैं, तो आप हमको कल्चर तो भैया मत ही सिखाओ। दूसरा खतरनाक बिजनेस वाला डायलॉग भी यहां पर है। मैंने बोला ना भाविश अग्रवाल की स्ट्रैटेजी शानदार है, जबरदस्त है। उसने बोला कि कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर जिसका सर्विस मैं ले रहा था, अगर कोई ले रहा होगा साल भर उनको हमारे कृत्रिम की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, मेरा वादा है। बस एक वादा आपको करना पड़ेगा, वापस माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के पास मत चले जाना। देखो यहाँ पर उनकी युद्ध भी हो गई, यहाँ पर वो जीत भी रहे हैं। तीसरा चीज़ उनके नए स्टार्टअप का भी एडवर्टाइजमेंट हो गया, चौथा चीज़ उन्होंने ऑफर भी डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि युद्ध है, लेकिन एक और तरफ ऐसा लग रहा है क्या शानदार स्ट्रैटेजी अपने नए स्टार्टअप को हाईलाइट करने का। कृत्रिम का नाम तो मैंने सुना नहीं था, इस विवाद के बाद मैंने सुना और सबको ऑफर भी दे डाला। देखो कितने जबरदस्त क्लाइंट मिलेंगे और भारतीय क्लाइंट तो बोलेंगे अच्छा हम तो भारतीय पैसा तो दे ही रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग भविष्य के पास चले जाए और एक साल का मुफ्त मजा ले, उसके बाद इंडियन कंपनी के साथ कनेक्टेड रहेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ऐसे शानदार स्ट्रैटेजी को अगर आप अपनाते हो तो आपके बिजनेस में बहुत आसानी हो जाएगी, जबरदस्त बिजनेस चलेगा, प्रमोशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और हम भी उनका प्रमोशन ही करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो करना ही चाहिए। और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।